नमस्ते मित्रों, आज तो आज हम चौदवा अध्याय जो कि गुण त्रय विभाग योग श्रीमद् भागवत गीता का है उसके बारे में जानेंगे। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञान नामम ज्ञानमुत्तमम यज्ञत्वा मुनय सर्वे परमां सिद्धिमतो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमगमतः सर्गे अपिह नोपजायते प्रलये नाव्यथन्ति च। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मि गर्भा दधामहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवन्ति भारतः सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्यसंभवन्ति यः तासं ब्रह्म महाघोनीरहं बीजप्रदः पितः सत्वं राजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहि नाम वयम् तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाशमानयम् सुखासी संगेन बंधानति ज्ञान संगेन च नाद रजोरगात्मकं विद्धि तृष्णा संगमुद्भावं तन्निबन्धयाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तम स्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभीनस्य बध्यन्ति भारतः सत्वं सुखे संजायते रजः कर्माणि भारतः ज्ञानमावृत्यः तु तमः प्रमादे संजयुत्यः राजस्तमस्याभिभूयः सत्वं भवति भारतः रजः सत्वं तमस्येव तमः सत्वं रजस्थः सर्वदारेषु देहे आस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याधिवृद्धं सत्वमिच्यते लोभं प्रवृत्यरारम्भ कर्मामश्यामः स्पृहा रज इस्येतानि जायन्ते विविद्धि भारतशभः आप्रकाशो आप्रवित्तस्य प्रमादो मोह एव च तम इष्येतानि जायन्ते विविद्धि कुरुनन्दन। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, ज्ञानों से भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्राकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं इस योनि में चेतना समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतना के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्राकृति जो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्राकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधता है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बनता है। हे अर्जुन, राग रूपी रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा के कर्मों के और उसके फल के संबंध में बंधता है। सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुणों को ज्ञान से उत्पन्न जान
वह इस जीवात्मा को प्रसाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों के सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्त और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्ति, ये सब उत्पन्न होता है। यदा असत्वे प्रविद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृतः तदोत्तविदां लोकन माल्यान् प्रपद्यन्ते राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीन इस्तामसिह मूढयोनिषु जायते कर्माणः सुकृत्याहु सत्वणं निर्मलं फलम् रजस्तु फलम दुखमेव ज्ञानम तमसा फलम सत्वसंजायते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रमाद मोहे तामसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण स्थितः अघो गच्छन्ति तामसः नान्यगुणेभ्यः कर्तारं यदा दुष्टनुपश्यन्ति गुणेभ्यः परं वेति मद्भावं सो आगच्छन्ति गुणनेतां नित्यः त्रियन्देहि देहसमुदाय भवन जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतश्नुते। अर्जुन वाचः, कैलिगे स्त्री गुण नेतनितो भवति विभो प्रभो किमाचरम कथम चैत स्त्री गुणान वर्तन्ति। श्री भगवान वाच, प्रकाशम च प्रवित्तम च मोहमेव च पांडवः न दृष्टेव संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कच्छन्ति उदासीन दीशीनो गुणेयो न विचलायति गुणावर्तन्ते इत्येव यो आतिष्ठन्ति नेगति समदुःख सुख स्वास्थ्याय समलोष्टाम कञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदा सम स्तुति मनापान पाण्यो स्तुल्यो तुल्यो मित्ररिपच्छयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब इसका अर्थ सुनेंगे हम। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि से मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति मनुष्यों में उत्पन्न होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्मों को सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और
मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण का कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सचिदा घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाले होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को की भी प्रवृत्ति होने पर उनमें द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समत्ता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा के में एक ही भाव में स्थित रहता है और उस स्थिति में कि कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मन मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मतलब गुणातीत मतलब जो तीनों गुणों से परे चले जाए, सत्व रज और तमोगुण। तो मतलब जैसे आप ब्रह्म ज्ञान में आप विचरण करेंगे, उस तत्व में डूबेंगे, आप उसका मनन चिंतन करेंगे तो आप गुणातीत में चले जाएंगे। तो हमको अगर मुक्ति चाहिए तो गुणातीत में जाना जरूरी है। ये तीन गुणों तो माया के अंतर्गत हैं, सत्व रज तम। अब आगे देखेंगे, माम चाहयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति सह गुण सम्मित्ये ब्रह्म भूयः कल्पते है ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाम मृत्य स्थवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे इष्य कांति कस्य च। अर्थ सुनेंगे, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे न श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगे नाम चतुर्दशाध्याय।